ऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान शादी के 29 सालों बाद अपनी पत्नी सायरा बानो से तलाक ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी और साथ ही अपने फैंस से अपील करते हुए कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में लोग उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखें। एआर रहमान के इस ऐलान ने हर किसी को हिला कर रख दिया। वही म्यूजिक कंपोजर के ऐलान के बाद उन्हीं के ट्रूप की मोहिनी डे ने भी अपने पति के साथ तलाक की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। बता दें आपको, एआर रहमान का नाम उनके ट्रूप की मोहिनी डे के साथ लगातार जोड़ा जा रहा है, पर अब इस तरह की तमाम खबरों पर एआर रहमान और सायरा बानो के वकील वंदना शाह ने चुप्पी तोड़ी है और उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कि लगातार इन दोनों के लिंकअप की खबरों को तूल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मिस्टर रहमान और उनकी बीवी सायरा ने ये फैसला खुद की मर्जी से लिया है। वही जब वकील से एलिमनी को लेकर सवाल किया गया तो वकील ने कहा, ये अभी तक इस स्तर पर नहीं आया है, ये एक म्यूचुअल तौर पर लिया जा रहा तलाक होगा। दोनों ही बहुत सच्चे हैं और ये फैसला हल्के में नहीं लिया गया है, इसे आप दिखावटी शादी नहीं कहेंगे। बता दें कि एआर रहमान के डिवोर्स अनाउंसमेंट के चंद घंटे बाद ही मोहिनी डे ने भी अपने डिवोर्स का ऐलान कर दिया था। मोहिनी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, भारी दिल से बताना मार्क और मैं अनाउंस कर रहे हैं कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों के प्रति कमिटमेंट की वजह से बता रहे हैं कि ये हम दोनों की आपसी समझ से हो रहा है। हालांकि हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे, हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी लाइफ में अलग अलग चीजें चाहते हैं और आपसी सहमति से अलग होना आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इसी सोच के साथ मोहिनी ने यह बड़ा फैसला लिया। तो वही लगातार मोहिनी और एआर रहमान के नाम को जोड़ा जा रहा है, पर अब वकील ने सफाई देते हुए इन तमाम खबरों को बेबुनियाद बताते हुए महज अफवाह करार दिया है। बहरहाल गाइज, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल फिल्मी बीट।